गातकी खंड द्वीप में पर्वत रहित क्षेत्रों के 212 खंड और पर्वतारुद्ध क्षेत्र के 119 खंड होते हैं। भरत क्षेत्र के मध्यम का विस्तार 12,581 योजन 36 भाग है और बाह्य विस्तार 18,547 योजन 155। यह तीनों प्रकार का विस्तार विदेह क्षेत्र तक के क्षेत्रों में भरत क्षेत्र के विस्तार से आगे आगे चौगुना चौगुना अधिक है और उसके आगे ऐरावत क्षेत्र तक कम से चौगुना चौगुना कम होता गया है। गातकी खंड द्वीप में हिमवान आदि 12 पर्वतों का विस्तार जम्बू द्वीप के पर्वतों से दूना दूना है। इसी प्रकार पुष्कर द्वीप में भी उनसे दूना दूना विस्तार है। अड़ाई द्वीप में मेरू पर्वत को छोड़कर कुलाचल, वक्षार पर्वत और विदिकाओं की गहराई अपनी ऊंचाई से चौथा भाग है। गातकी खंड के कुंडों का विस्तार उनकी गहराई से 6 गुना और नदी सरोवर का विस्तार उनकी गहराई से 50 गुना है। गातकी खंड के चैत्यालयों की ऊंचाई 150 योजन है और जम्बू आदि दशों महावृक्ष एक समान विस्तार वाले हैं। नदी सरोवर वन कुंड पद्म पर्वत और सरोवर गहराई की अपेक्षा जम्बूद्वीप की नदी आदि के समान है तथा विस्तार की अपेक्षा दुने दुने हैं। चैत्य चैत्यालय वृषभाचल नाभी पर्वत चित्रकूट आदि कांचनगिरी आदि पर्वत दिग्गजेंद्रों के कूट तथा वेदिका आदि के हैं। वे सब विस्तार गहराई तथा ऊंचाई की अपेक्षा तीनों द्वीपों में समान है। गातकी खंड में समस्त कूटों के रत्नमय तोरण आधा योजन ऊंचे और 500 धनुष चौड़े हैं। गातकी खंड और पुष्कर इन दोनों द्वीपों की चारों मेरु पर्वतों की ऊंचाई 84,000 योजन है। वे मेरु पर्वत 1,000 योजन नीचे तो पृथ्वी में गहरे हैं और 9,500 योजन उनके मूल विस्तार हैं। उनके मूल भाग की परिधि 30,042 योजन है तथा पृथ्वी पर का विस्तार 9,400 योजन है। पृथ्वी तल पर उनकी परिधि 29,725 योजन है। भूमि तल से 500 योजन ऊपर चलकर अत्यंत विस्तृत नंदन वन है तथा 55,500 योजन ऊपर जाकर सोमनस वन है। सोमनस वन से 28,494 योजन पर जाकर विशाल पांडुक वन है। नंदन वन में मेरू का विस्तार 9,350 योजन कहा गया है। इसी वन में मेरू की बाह्य परिधि का विस्तार 29,567 योजन है। नंदन वन को छोड़कर मेरू पर्वत का भीतरी विस्तार 8,350 योजन है। मेरू पर्वत की नंदन वन संबंधी परिधि 26,405 योजन है। सोमनस वन में मेरू पर्वत का विस्तार बाह्य विस्तार 3,800 योजन है और आभ्यंतर विस्तार इससे 1,000 योजन कम है। सोमनस वन में मेरु पर्वत की बाह्य परिधि 12,016 योजन है और आभ्यंतर परिधि 8,854 योजन है। पांडुक वन में मेरु पर्वत की परिधि 3,162 योजन और कुछ अधिक एक कोष जाना चाहिए। ये चारों मेरु पर्वत नंदन वन से 10,000 ऊपर तक जो समरुद्र है अर्थात समान चौड़ाई वाले हैं और उसके बाद क्रम से कम कम होते जाते हैं। यह क्रम सोमनस वन के आगे भी जानना चाहिए। क्रम यह है कि मूल से लेकर 10,000 योजन की वृद्धि होने पर अंगुलहस्त और योजन का दशवा भाग कम होता जाता है अर्थात 10,000 योजन की ऊंचाई पर 1,000 योजन, 10 हाथ की ऊंचाई पर 1 हाथ और 10 अंगुल की ऊंचाई पर 1 अंगुल विस्तार कम हो जाता है। पांचों मेरु की वापिकाश कूट प्रसाद चैत्य और चुलिकाएं चौड़ाई और ऊंचाई की अपेक्षा एक समान है। गातकी खंड के भद्रशाल वन की चौड़ाई 1,225 योजन है और इसकी लंबाई 1,07,879 योजन है। गातकी खंड के गंधमादन और विद्युत गजन पर्वतों की लंबाई 356,227 योजन है और माल्यवान और सोमनस गजदंतों की लंबाई 569,259 योजन है। कुलाचलों के समीप कुरुक्षेत्र का विस्तार 223,158 योजन है। गातकी खंड द्वीप के पूर्वाध और पश्चिमाध दोनों भागों में मेरु पर्वत से लेकर कुलाचलों तक कुरु प्रदेशों की वक्र की लंबाई 397,897 योजन और 92 भाग है।
और दोनों ओर सीधी लंबाई 366,684 योजन है। जिस प्रकार जम्बू द्वीप में एक मेरु पर्वत के 32 विधे हैं, उसी प्रकार घाती खंड में भी प्रत्येक मेरु की अपेक्षा 32-32 विधे हैं। इसमें पूर्व की ओर पूर्व विधे और पश्चिम की ओर पश्चिम विधे स्थिर है। मेरु पर्वत से पूर्व में कच्छा नाम का देश है और पश्चिम से सूची से युक्त गंधमालिनी देश है। वह सूची 11,25,158 योजन है। इस सूची को परिधि 35,58,062 योजन प्रमाण है। पद्मा देश को आदि लेकर मंगलावती देश तक वह सूची ली जाती है जो पूर्व पश्चिम मेरु पर्वत राल में स्थित है। यह सूची 6,74,842 योजन प्रमाण है। इस सूची की परिधि का प्रमाण 21,34,038 योजन है। इसके देश का विस्तार 9,630 योजन और तथा एक योजन के 8 भागों में 3 भाग प्रमाण है। क्षेत्र वक्षारगिरी, विभंगा नदी और देवारण, इनकी लंबाई आदि मध्य और अंत के भेद से 3-3 प्रकार की है। कच्छा देश की आधी लंबाई 5,09,570 योजन और एक योजन के 212 भागों में से 200 भाग है। इसकी आधी लंबाई में देश की लंबाई मिला देने पर मध्य लंबाई हो जाती है और मध्य लंबाई में देश की लंबाई मिल जाने पर अंत लंबाई हो जाती है। यही क्रम पर्वताधिक में जानना चाहिए। पूर्व में देश वक्षार पर्वत और विभंग नदी की जो अन्यतत लंबाई है, वही आगे के देश वक्षार पर्वत और विभंग नदी की आधी लंबाई है। देश की आयाम वृद्धि 4,584 योजन कही गई है। वक्षार गिरियों की आयाम वृद्धि 477 योजन 60 कला है। विभंग नदियों की आयाम वृद्धि 129 योजन 52 कला है। ऐसा वृद्धि के जानने वाले आचार्य कहते हैं। और देवारण्य की वृद्धि 2,789 योजन 92 कला है। पद्मा देश की लंबाई 2,94,623 योजन 196 कला है। यहाँ के वक्षार पर्वत क्षेत्र नदी आदि की आयाम वृद्धिहीन जो लंबादी लंबाई है, वही इनकी मध्य लंबाई है। और आयाम वृद्धिहीन जो मध्य लंबाई है, वही इनकी अन्यत लंबाई यथाक्रम से जानने योग्य। देश वक्षारगिरी और विभंग नदियां सीता शीतोदन नदियों के दोनों तटों के आमने सामने स्थित हैं तथा एक समान आयाम के धारक हैं। पश्चिम मेरु से पूर्व और पश्चिम में जो विधे हैं, वे क्रमशः पूर्व मेरु से पूर्व तथा पश्चिम के विधेयों के समान हैं। इस घाती खंड में जम्बू द्वीप के समान 1,1,00,000 विस्तार वाले 144 खंड हैं और समस्त घाती खंड द्वीप का क्षेत्रफल 1,13,841,99,57,661 योजन है। इस प्रकार घाती खंड का वर्णन किया। अब कालोदधी का वर्णन करते हैं। घाती खंड से दूने विस्तार वाला काले रंग का कालोदधी सागर घाती खंड द्वीप को सब ओर से घेरे हुए है। इसकी परिधि 91,70,605 योजन से कुछ अधिक मानी गई है। विद्वानों ने कालोदधी समुद्र में जहां तहां जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन विस्तार वाले 672 खंड संकलित किए हैं। कालोदधी समुद्र का समस्त क्षेत्रफल 5,69,080 योजन है। कालोदधी समुद्र की पूर्व दिशा में पानी के समान मुख वाले, दक्षिण दिशा में घोड़े के समान कान वाले, पश्चिम दिशा में पक्षियों के समान मुख वाले और विदिशाओं में शुक्र के समान मुख वाले मनुष्य रहते हैं। पूर्व दिशा में जो पानी के समान मुख वाले मनुष्य रहते हैं, उनके दक्षिण और उत्तर में दोनों ओर से क्रम से ऊंट तथा गौ के समान कान वाले मनुष्य रहते हैं। गजकर्ण और अश्वकर्ण मनुष्यों की दोनों ओर बिल्ली के समान मुख वाले और पक्षियों के समान मुख वाले की दोनों ओर हाथी के समान मुख वाले मनुष्य स्थित हैं। इन मनुष्यों के कान इतने लंबे होते हैं कि ये उन्हीं को ओढ़ बिछाकर सो जाते हैं। कालोदधी समुद्र में विजयात पर्वत के जो दो छोर निकले हुए हैं, उन पर शिशुमार के समान तथा मगर के समान मुख वाले मनुष्य रहते हैं। हिमवान पर्वत के दोनों छोरों पर भेड़िया तथा व्याघ्र के समान मुख वाले तथा शिखरी पर्वत के दोनों भागों पर शंगाल और भालू के समान मुख वाले मनुष्य स्थित हैं। ऐरावत क्षेत्र संबंधी विजयात पर्वत के दोनों भागों पर चीता तथा भृंगार झाड़ी के समान मुख वाले और बाह्य एवं आभ्यंतर जगती पर चीते के समान मुख वाले मनुष्य निवास करते हैं। ये समस्त मनुष्य आयु, वर्ण, ग्रह, आहार और गति की अपेक्षा लवण समुद्र के मनुष्यों के समान है। ये द्वीप 1,000 योजन गहरे हैं तथा जहां स्थित है वहां समुद्र का तट कटा हुआ है। कालोदधी में स्थित रहने वाले ये द्वीप प्रवेश की अपेक्षा 500 योजन से अधिक हैं तथा दिशाओं के द्वीप समुद्र तल से 500 योजन प्रवेश करने पर
विदिशाओं के द्वीप 550 योजन प्रवेश करने पर, अंतर दिशाओं के द्वीप 600 योजन प्रवेश करने पर स्थित हैं। इन सभी का विस्तार लवण समुद्र के द्वीपों से दूना माना गया है और कुमानुष कुभोग भूमिया जीव इसमें रहते हैं। 24 द्वीप कालो नदी की आभ्यंतर घाती खंड की समीपवर्ती सीमा में और 24 द्वीप भाई पुष्करात की समीपवर्ती सीमा में स्थित हैं। इस प्रकार कालो नदी में 48 हैं। लवण समुद्र के 48 द्वीपों के साथ मिलाकर सब अंतर द्वीप 96 हो जाते हैं। इस प्रकार कालो नदी का विस्तार किया, कालो नदी का वर्णन किया। अब पुष्कर द्वीप का वर्णन करते हैं, जिसकी पूर्व पश्चिम दिशा में दो मेरु हैं। कालो नदी की अपेक्षा जिसका दूना विस्तार है और जो पुष्कर अर्थात कमल के विशाल चिन्ह से युक्त है, ऐसा पुष्कर द्वीप कालो नदी को चारों ओर से घेर कर स्थित है। पुष्कर द्वीप का अर्ध भाग मनुष्य क्षेत्र की सीमा निश्चित करने वाले मानुषोत्तर पर्वत से घिरा हुआ है, इसलिए पुष्करार्ध माना गया है। यह द्वीप उत्तर और दक्षिण दिशा में पड़े हुए ईश्वाकार पर्वतों से विभक्त है, इसलिए इसके पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध इस प्रकार दो भेद हो जाते हैं। इन दोनों ही खंडों के मध्य में घातकी खंड के समान मेरु पर्वत हैं तथा पहले के ही समान नाम वाले क्षेत्र पर्वत नदी आदि से दोनों खंड युक्त हैं। पुष्करार्ध के भरत क्षेत्र का आभ्यंतर विस्तार 41,579 योजन तथा 173 भाग है। मध्य विस्तार 53,512 योजन 199 भाग है और बाह्य विस्तार 65,446 योजन 13 भाग कहा जाता है। गणतक आचार्यों ने विजय क्षेत्र तक पूर्व क्षेत्र से आगे के क्षेत्र का और पूर्व भवन से आगे के पर्वत का चौगुना विस्तार बतलाया है। समस्त पुष्करार्ध की बाह्य परिधि 1,42,03,249 योजन से कुछ अधिक कही गई है। पुष्करार्ध का 3,55,684 योजन प्रमाण क्षेत्र पर्वतों से रुका हुआ है। पुष्करार्ध के विजयात, नाभिगिरी और तथा कुलाचल आदि अपनी अपनी ऊंचाई और गहराई की अपेक्षा जम्बूद्वीप के विजयात आदि के समान है, परंतु विस्तार की अपेक्षा घाती खंड के विजयात आदि के दूने दूने हैं। पुष्करार्ध के दोनों ईश्वाकार तथा दोनों मेरु घाती खंड के ईश्वाकार और मेरुओं के समान है। अड़ाई द्वीप तथा लवणा नदी और कालो नदी, ये दो समुद्र मनुष्य क्षेत्र कहलाते हैं। इसका विस्तार 35,00,000 योजन है। उत्तम शोभा से संपन्न मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई 1,721 योजन है। गहराई 430 योजन एक कोश है। मूल विस्तार 1,022 योजन, मध्य विस्तार 723 योजन और उपरीतन भाग का विस्तार 424 योजन है। मानुषोत्तर की परिधि का विस्तार 1,42,36,713 है। यह मानुषोत्तर भीतर की ओर छिन्न तट टांकी से कटे हुए के समान एक सदृश है और इसका बाह्य भाग पिछली ओर से क्रम से ऊंचा उठता गया है, अतः भीतर की ओर मुख कर बैठे हुए सिंह के समान उसका आकार जान पड़ता है। यह पर्वत 14 गुफा रूपी दरवाजों के द्वारा निकलने का मार्ग देकर पूर्व पश्चिम की नदी रूपी स्त्रियों को पुष्कर नदी के पास भेजता रहता है। जिन गुफाओं से नदियां निकलती हैं वे 50 योजन लंबी, 25 योजन चौड़ी और 33.5 योजन ऊंची है। मानुषोत्तर पर्वत के उपरीतन भाग पर चारों दिशाओं में 8 योजन ऊंचे और 4 योजन चौड़े गृह द्वारों से शोभित 4 जिनाले हैं। इसी मानुषोत्तर पर्वत की पूर्वादि दिशाओं में प्रदक्षिणा रूप से इस स्थानों पर बने हुए 18 कूट हैं। ये कूट 500 योजन ऊंचे हैं। इनके मूल भाग का विस्तार 500 योजन तथा ऊर्ध भाग का 250 योजन है। मानुषोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में 3-3 तथा विदिशाओं में 4 कूट हैं। इन 4 के सिवाय ईशान दिशा में वज्रकूट और आग्नेय दिशा में तपनीय कूट और भी है। पूर्व दिशा में वैडूर्य नामक पहले कूट पर यशस्वान देव, दूसरे अश्वमर्ग गर्भकूट पर यशस्कांत और तीसरे सौगंधिक कूट पर सुपर्ण कुमारों का स्वामी यशोदा देव रहता है। तथा दक्षिण दिशा में रूचक कूट पर नंदन, लोहिताक्ष कूट पर नंदोत्तर और अंजन कूट पर अश्विनी घोष देव रहता है। पश्चिम दिशा के अंजन मूल कूट पर सिद्ध देव, कनक कूट पर क्रमण देव और रजत कूट पर मानुष नाम का देव रहता है। उत्तर दिशा के स्फटिक कूट पर सुदर्शन, अंक कूट पर मोग और प्रवाल नामक कूट पर सुप्रभद देव रहता है। आग्नेय दिशा के पूर्वोक्त तपनीय कूट पर स्वाति देव तथा ईशान दिशा के वज्रक कूट पर हनुमान नाम का देव रहता है।
मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व दक्षिण कोण में निषदाचल से स्पष्ट भाग में रत्न नाम का कूट है और उस पर नाग कुमारों का स्वामी वेणुद्वय रहता है। पूर्वोत्तर कोण में नीलाचल से स्पष्ट भाग में सर्वत नाम का कूट है और उस पर गरुण कुमारों का इंद्र वेणुदारी रहता है। दक्षिण पश्चिम कोश में निषदाचल से स्पष्ट भाग में वेलंब नाम का कूट है, उस पर वरुण कुमारों का अधिपति अति वेलंब देव रहता है तथा पश्चिमोत्तर दिशा में नीलाचल से स्पष्ट भाग में प्रभंजन नाम का कूट है और उसके ऊपर वायु कुमारों का इंद्र प्रभंजन नाम का देव रहता है। इस प्रकार अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है यह सुवर्णमय मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य क्षेत्र के कोट के समान जान पड़ता है। समुद्गात और उपपात के सिवाय विद्या तथा रिद्धि प्राप्त मुनि भी इस पर्वत के आगे नहीं जा सकते। जिस प्रकार जम्बू द्वीप को लवण समुद्र घेरे हुए है, उसी प्रकार पुष्कर द्वीप को पुष्कर समुद्र घेरे हुए है। उसके आगे वारुणीवर द्वीप को वारुणीवर सागर, क्षीरवर द्वीप को क्षीरोद सागर, घृतवर द्वीप को घृतव सागर, इक्षुवर द्वीप को इक्षुवर सागर, आठवें नंदीश्वर द्वीप को नंदीश्वर वर सागर, नौवें अरुण द्वीप को अरुण सागर, अरुणोद्भास द्वीप को अरुणोद्भास सागर, कुंडलवर द्वीप को कुंडलवर सागर, शंखवर द्वीप को शंखवर सागर, रोचकवर द्वीप को रोचकवर सागर, भुजगवर द्वीप को भुजगवर सागर, कुशवर द्वीप को कुशवर सागर और क्रौंचवर द्वीप को क्रौंचवर सागर, ये सब ओर से घेरे हुए हैं। जिस प्रकार दूने दूने विस्तार वाले इन 16 द्वीप सागरों का नामोल्लेख पूर्वक वर्णन किया है, उसी प्रकार दूने दूने विस्तार वाले असंख्यात द्वीप सागर इनके आगे और हैं। 16वें द्वीप सागर के आगे असंख्यात द्वीप सागरों का उल्लंघन कर मनहशील नाम का द्वीप है। उसके बाद हरिताल, सिंदूर, श्यामक, अंजन, हिंगुलक, रूपवर, सुवर्णवर, वज्रवर, वेडुरेवर, नागवर, भूतवर, यक्षवर, देववर, इंदुवर और सबसे अंतिम स्वयंभूरमण द्वीप तथा स्वयंभूरमण सागर है। ये सभी द्वीप अपने समान नाम वाले सागरों से वेष्टित हैं। आदि के 16 और अंत के 16 इन दोनों राशियों के बीच अनादिकालिक शुभ नामों को धारण करने वाले असंख्यात द्वीप और असंख्यात सागर है। इन द्वीपों के बीच सागर का और सागरों के बीच द्वीप का अंतर विद्यमान है, अर्थात द्वीप के बाद सागर और सागर के बाद द्वीप, इस क्रम से इनका सद्भाव है। इन समुद्रों में लवण समुद्र के जल का स्वाद नमक के समान है, वारुणीवर समुद्र के जल का स्वाद वारुणी शराब के तुल्य है, घृतवर और क्षीर समुद्र का जल क्रम से घृत और दूध के समान है, कालोदरी और अंतिम शंभुरमण का जल पानी के समान है, पुष्कर समुद्र मधु और पानी दोनों के स्वाद से युक्त है, बाकी समुद्र इच्छु रस के समान स्वाद वाले हैं। लवण समुद्र के तीर पर समूषण जन से उत्पन्न हुए महामच्छ 9 योजन लंबे हैं तथा मध्य में इसके दूने अर्थात 18 योजन लंबे हैं। कालोदर समुद्र में नदियों के प्रवेश स्थान पर 18 योजन और मध्य में 36 योजन लंबे हैं। गर्भजन से उत्पन्न होने वाले मच्छों की लंबाई समूषण मच्छों से आधी है। स्वयंभूरमण समुद्र के तीर पर मच्छों की लंबाई 500 योजन और मध्य में 1000 योजन है। लवण समुद्र, कालोदी और स्वयंभूरमण इन तीनों समुद्रों के सिवाय अन्य समुद्रों में मच्छ आदि जलचर जीव नहीं है। इस ओर विकलेंद्री जीव 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री मानुषोत्तर पर्वत तक ही रहते हैं। उस ओर स्वयंभूरमण द्वीप के अर्ध भाग से लेकर अंत तक पाए जाते हैं। यदि किसी द्वीप या सागर का विस्तार जानना है तो उसके पहले जो भी द्वीप और सागर निकल चुके हैं उन सबके विस्तार को इकट्ठा कर लीजिए और उसके 1,00,000 योजन अधिक विस्तार उस विवक्षित द्वीप या सागर का होता है। मेरु पर्वत की अर्ध चौड़ाई से लेकर स्वयंभूरमण समुद्र के अंत तक आधी राजू होती है और इस आधी राजू का मध्य स्वयंभूरमण समुद्र के 75,000 योजन प्रवेश करने पर होता है। भावार्थ, समस्त मध्यम लोक का विस्तार एक राजू है। मेरु पर्वत की जो चौड़ाई है उसके अर्ध भाग से लेकर स्वयंभूरमण समुद्र के अंत तक आधी राजू होती है। आधी राजू के आधे भाग में आधा जम्बू द्वीप तथा असंख्यात द्वीप सागर और अंतिम स्वयंभूरमण समुद्र के 75,000 योजन तक का प्रदेश आता है और बाकी आधी राजू में स्वयंभूरमण समुद्र का अवशिष्ट भाग है। जम्बू द्वीप का रक्षक अनावृत यक्ष है, लवण समुद्र का स्वामी सुश्रुत देव कहा गया है। गातकी खंड के स्वामी प्रभास और प्रियदर्शन कालोदी के काल और महाकाल, पुष्कर द्वीप के
पद्म और पुंडरीक, मानुषोत्तर पर्वत के चक्षुमान और सुचक्षु, पुष्कर समुद्र के शीर्षप्रभ और श्रीधर, वारुणी वर द्वीप के वरुण और वरुण प्रभ, वारुणी वर समुद्र के मध्य और मध्यम, क्षीर वर द्वीप के पांडुर और पुष्पदंत, क्षीर वर समुद्र के विमल और विमल प्रद, घृतवर द्वीप के सुप्रभ और महाप्रभ, घृतवर समुद्र के कनक और कनकाब, इक्षुवर द्वीप के पूर्ण और पूर्ण प्रभ, इक्षुवर समुद्र के गंध और महागंध, नंदीश्वर द्वीप के नंदी और नंदी प्रभ, नंदीश्वर समुद्र के भद्र और सुभद्र, अरुण द्वीप के अरुण और अरुण प्रभ, और अरुण समुद्र के सुगंध और सर्वगंध देव स्वामी हैं। इसी प्रकार आगे भी प्रत्येक द्वीप और सागर के दो दो देव स्वामी हैं, उनमें एक दक्षिण का और दूसरा उत्तर का स्वामी है। जिनेन्द्र भगवान ने आठवें नंदीश्वर द्वीप का विस्तार 163,84,00,000 योजन कहा है। नंदीश्वर द्वीप की आभ्यंतर परिधि 1,36,52,207 योजन है तथा बाह्य परिधि 2,72,33,54,190 योजन है। नंदीश्वर द्वीप के मध्य में चारों दिशाओं में चार अंजन गिरी हैं। ये पर्वत 84,000 योजन ऊंचे, उतने ही चौड़े और 1,000 योजन गहरे हैं। ये सभी पर्वत ढोल के आकार के हैं, चित्र विचित्र हैं, वज्र में मूल के धारक हैं, प्रभा से उज्जवल हैं और सब ओर से मन को हरण करते हुए दैदीप्यमान है। सुंदर काले शिखरों से युक्त ये सुवर्णमयी पर्वत दिशाओं में सब ओर उत्तम कांति बिखेरते रहते हैं। 1,00,000 योजन आगे चलकर इन पर्वतों के चारों दिशाओं में चार चौकोर अविनाशी वापियां हैं। ये वापियां कमलों से युक्त आच्छादित हैं, स्फटिक के समान स्वच्छ जल से युक्त है, मगरमच्छादि से रहित और वेदिकाओं से युक्त हैं। इनकी गहराई 1,000 योजन तथा लंबाई और चौड़ाई जम्बू द्वीप के बराबर 1,00,000 योजन की है। पूर्व दिशा में जो अंजन गिरी है उसकी पूर्वादी दिशाओं में कम से नंदा, नंदवती, नंदोत्रा और नंदी घोषा नाम की वापिकाएं स्थित हैं। इनमें पहले नंदा नाम की वापी सौधर्मेंद्र की, दूसरी नंदवती ऐशानेन्द्र की और तीसरी नंदोत्तरा चर्मेंद्र और चौथी नंदी घोषा वैरोचन की भोग्य है, क्रीड़ा का स्थान है। दक्षिण दिशा में जो अंजन गिरी है उसकी पूर्वादी दिशाओं में कम से विजया, वैजयंती, जयंती और अपराजिता, ये चार वापिकाएं हैं। इनमें से पहली वापिका में वरुण, दूसरी में यम, तीसरी में सोम, चौथी में वैश्रवण क्रिया करता है। ये चारों सौधर्मेंद्र के लोकपाल हैं। पश्चिम दिशा में जो अंजन गिरी है उसकी पूर्वादी दिशाओं में क्रम से अशोका, सुप्रबुद्धा, कुमुदा और पुंडरीकिणी, ये चार वापिकाएं हैं। इनमें से पहली वापी वेणुदेव की, दूसरी वेणुताली की, तीसरी धरण की और चौथी भूतानंद की क्रीड़ा भूमि है। उत्तर दिशा में जो अंजन गिरी है उसकी पूर्वादी दिशाओं में क्रम से सुप्रभंकरा, सुमना, आनंदा और सुदर्शना, ये चार वापिकाएं हैं। इनमें ईशानेन्द्र के लोकपाल वरुण, यम, सोम और कुबेर क्रम से क्रीड़ा करते हैं। इन 16 वापिकाओं का भीतरी अंतर 65,045 योजन है, मध्य अंतर 104,600 योजन है और बाहरी अंतर 223,161 योजन है। उन वापिकाओं के मध्य में रूपामयी सफेद शिखरों से युक्त सुवर्णमय 16 दधिमुख पर्वत हैं। ये सभी पर्वत 1,000 योजन गहरे, 10,000 योजन चौड़े, लंबे तथा ऊंचे एवं ढोल के आकार के हैं। चारों वापिकाओं की चारों ओर चार वन हैं जो वापिकाओं के समान 1,00,000 योजन लंबे और उनसे आधे अर्थात 50,000 योजन चौड़े हैं। उनमें पूर्व दिशा में अशोक वन है, दक्षिण में सप्तवर्ण वन है, पश्चिम में चंपक वन है, उत्तर में आम्र वन है। वापिकाओं के कोणों से के समीप रतिकर नाम के पर्वत हैं। ये पर्वत प्रत्येक वापिका के प्रति चार चार हैं, सुवर्णमय हैं तथा ढोल के आकार हैं। 250 योजन गहरे हैं, 1,000 योजन ऊंचे, चौड़े और लंबे हैं और विनाश से रहित हैं। इनमें 32 रतिकर आभ्यंतर कोणों में और 32 बाह्य कोणों में हैं। ये सभी देवों के द्वारा सेवित तथा प्रत्येक पर एक एक चैत्यालय है। रतिकरों की भांति अंजन गिरी तथा दीर्घमुख पर्वतों के मस्तक पर भी एक एक जिन मंदिर से पवित्र हैं, अर्थात उन सब पर एक एक चैत्यालय है। ये समस्त चैत्यालय पूर्वाभिमुख 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे हैं। 8 योजन ऊंचे, 4 योजन चौड़े तथा गहरे 3-3 द्वारों से दैदीप्यमान नंदीश्वर द्वीप के ये पवन चैत्यालय अतिशय शोभायमान है।
उन चैत्यालयों में संसार को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान की 500 धनुष ऊंची रत्न एवं स्वर्ण निर्मित मूर्तियां विराजमान हैं। प्रतिवर्ष फागुन आषाढ़ और कार्तिक के आष्टानिक पर्वों में सौधर्मेंद्र आदि देव उन चैत्यालयों में पूजा करते हैं। पहले जिन 64 वनखंडों का वर्णन किया है उनमें 64 प्रसाद हैं तथा उन प्रसादों में वनों के नाम वाले देव रहते हैं। वे प्रसाद 62 योजन ऊंचे 31 योजन लंबे और उतने ही चौड़े तथा पूर्वक प्रमाण के वाले द्वारों से सहित हैं। नंदीश्वर समुद्र के आगे अरुण तथा अरुण सागर और वहां समुद्र से लेकर ब्रह्मलोक के अंत तक अंधकार ही अंधकार है। अरुण समुद्र के बाहर मदन के समान आकार वाली घनाकार 8 काली पंक्तियां फैली हुई हैं। अल्प रिद्धि के धारी देव इस अंधकार में दिशा मुहो चिरकाल तक भटकते रहते हैं। वे बड़ी रिद्धि के धारक देवों के साथ ही समुद्र को लांग सकते हैं। कुंडल द्वीप के मध्य में चूड़ी के आकार का कुंडलगिरी पर्वत है जो संपूर्ण यवों की राशि के समान सुशोभित है। मणियों के समूह से सुशोभित रहने वाले इस पर्वत की गहराई 1000 योजन और ऊंचाई 42000 योजन है। उस पर्वत की मूल में 10220 योजन, मध्य में 7161 योजन और अंत में 4096 योजन चौड़ाई। उस पर्वत की मूल में 10220 योजन, मध्य में 7161 योजन और अंत में 4096 योजन चौड़ाई है। उसके मूर्त भाग पर पूर्वाद दिशाओं में 4-4 कूट हैं। चारों दिशाओं के ये 16 कूट सदा देवों के द्वारा सेवित तथा अत्यंत सुशोभित हैं। पूर्व दिशा के वज्र नामक पहले कूट पर त्रिशिरस, वज्रप्रभ नामक दूसरे कूट पर पंचशिरस, कनक नामक तीसरे कूट पर महाशिरस और कनकप्रभ नामक चौथे कूट पर महाभुज नाम का देव रहता है। दक्षिण दिशा के रजत कूट पर पद्म, रजतप्रभ कूट पर पद्मोत्तर, सुप्रभ कूट पर महाप्रभ और महाप्रभ कूट पर वासुकी देव रहता है। पश्चिम दिशा के अंकूट पर स्थिर हृदय, अंकप्रभ कूट पर महाहृदय, मणिकूट कूट पर श्रीप्रभ और मणिप्रभ कूट पर स्वस्तिक देव रहता है। उत्तर दिशा के स्फटिक कूट पर सुंदर, स्फटिक प्रभ कूट पर विशालाक्ष, महेंद्र कूट पर पांडुक और हिमवत कूट पर पांडुर देव रहता है। ये 16 देव नागकुमार देवों के इंद्र हैं। सबकी एक पल्ले प्रमाण आयु है तथा यथायोग अपने अपने कुटों पर बने हुए प्रासादों में निवास करते हैं। कुंडलगिरी के ऊपर पूर्व पश्चिम दिशा में कुंडवर द्वीप के स्वामी के 2 कूट हैं। उन कूटों की ऊंचाई 1000 योजन है, मूल विस्तार 1000 योजन, मध्य विस्तार 750 योजन और ऊपरीतन विस्तार 500 योजन है। उसी कुंडलगिरी के ऊपर चारों महादिशाओं में 4 जिनाले हैं जो प्रमाण की अपेक्षा अंजनगिरी के जिनालयों के समान है। रुचकवर नाम का 13वां द्वीप है। उसके मध्य में चूड़ी के आकार का रुचकवर नाम का पर्वत है। इसकी गहराई 1000 योजन, ऊंचाई 84000 योजन और चौड़ाई 42000 योजन है। उस पर्वत के शिखर पर चारों दिशाओं में 1000 योजन चौड़े और 500 योजन ऊंचे 4 कूट सुशोभित हैं। उनके पूर्व दिशा में नंदावत कूट पर पद्मोत्तर देव रहता है। दक्षिण दिशा के स्वस्तिक कूट पर स्वहस्ती देव रहता है। पश्चिम दिशा के श्री वृष कूट पर नीलक देव रहता है और उत्तर दिशा के वर्धमानक कूट पर अंजनगिरी देव रहता है। ये चारों देव दिग्गजेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा एक पल्ले की आयु वाले हैं। इसी पर्वत के पूर्व दिशा में पहले कहे हुए अन्य कूटों के समान 8 कूट हैं और वे दिक्कुमारी देवियों के द्वारा सेवित हैं। उनमें पहले वैडूर कूट पर विजया, दूसरे कांचन कूट पर विजयंती, तीसरे कनक कूट पर जयंती, चौथे अरुष कूट पर अपराजिता, पांचवें दिग्नंदन कूट पर नंदा, छठवें स्वस्तिक नंदन कूट पर नंदोत्रा, सातवें अंजन कूट पर आनंदा और आठवें अंजन मूलक कूट पर नंदीवर्धना देवी निवास करती है। ये दिक्कुमारियां तीर्थंकर के जन्म काल में पूजा के निमित्त हाथ में दधिपमान झारियां लिए हुए तीर्थंकर की माता के समीप रहती हैं। दक्षिण दिशा में भी 8 कूट है और उनमें पहले अमोक कूट पर स्वस्ति तथा दूसरे सुप्रभ कूट पर सुप्रणी, तीसरे मंदर कूट पर सुप्रबुद्धा, चौथे विमल कूट पर यशोधरा, पांचवें रुचक कूट पर लक्ष्मीमती, छठवें रुचकोत्तर कूट पर कीर्तिमती, सातवें चंद्रकूट पर वसुंधरा और आठवें सुप्रतिष्ठित कूट पर चित्रा देवी निवास करती है। ये देवियां तीर्थंकर की उत्पत्ति के समय संतुष्ट होकर आती हैं और मणिमय दर्पण धारण कर तीर्थंकर की माता की सेवा करती हैं। पश्चिम दिशा में भी 8 कूट हैं। उनमें पहले लोहिताक्ष कूट पर ईला देवी, दूसरे जगत कुसुम कूट पर सूरा देवी, तीसरे नलन कूट पर पृथ्वी देवी, चौथे पद्म कूट पर पद्मावती देवी, पांचवें कुमुद कूट पर कांचना देवी, छठे सोमनस कूट पर नवमिका देवी,
सातवें यशकूट पर सीता देवी और आठवें भद्रकूट पर भद्रिका देवी का निवास है। ये देवियां तीर्थंकर की उत्पत्ति के समय शुक्ल छत्र धारण करती हुई सुशोभित होती हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशा में भी आठ कूट हैं। उसमें पहले स्फटिक कूट पर लंबुसा, दूसरे अंक कूट पर मिश्रकेशी, तीसरे अंजनक कूट पर पुंडरीकिणी, चौथे कांचन कूट पर वारुणी, पांचवें रजत कूट पर आशा, छठवें कुंडल कूट पर री, सातवें रुचक कूट पर श्री और आठवें सुदर्शन कूट पर धृति नाम की देवियां रहती हैं। देवियां हाथ में चमर लेकर जिन माता की सेवा करती हैं। इनके सिवाय पूर्वादि दिशाओं में दीप्ति से दिशाओं के अंतराल को दैदीप्यमान करने वाले चार कूट हैं और जो यथाक्रम से इस प्रकार हैं। पूर्व दिशा में विमल नाम का कूट है और उस पर चित्रा देवी रहती है। दक्षिण दिशा में नित्यालोक नाम का कूट है, उस पर कनक चित्रा देवी निवास करती है। पश्चिम दिशा में स्वयंप्रभ नाम का कूट है, उस पर त्रिशीरस देवी निवास करती है तथा उत्तर दिशा में नित्योद्योत नाम का कूट है, उस पर सूत्रामणि देवी रहती हैं। ये विद्युत कुमारी देवियां सूर्य की किरणों के समान प्रकाश करती हुई जिन माता के समीप रहती हैं। पूर्वोत्तर ईशान दिशा में वेड्यूर नाम का कूट है, उस पर रुचिका देवी रहती है। दक्षिण पूर्व आग्नेय दिशा में रुचक नाम का कूट है, उस पर रुचिकोज्वला देवी रहती है। दक्षिण पश्चिम नेत्रत्व दिशा में मणिप्रभ कूट है, उस पर रुचिकाभा देवी निवास करती है और पश्चिमोत्तर वायव्य दिशा में रुचिकोत्तम कूट है, उस पर रुचक प्रभा देवी निवास करती है। ये चारों दिक् कुमारी देवियों की उत्कृष्ट मातृका प्रधान देवियां हैं। इनके सिवाय विदिशाओं में निम्नलिखित चार कूट और हैं। उनमें ईशान दिशा में रत्नकूट पर विजया देवी का निवास है। आग्नेय दिशा में रत्नप्रभ कूट पर वैजयंती देवी का निवास करती है। नैत्य दिशा में सर्वरत्नकूट पर जयंती देवी रहती है और वायव्य दिशा में रत्नोच्च कूट पर अपराजिता देवी निवास करती है। ये चार देवियां विद्युत कुमारी देवियों की मैतरिका हैं। ऊपर कही हुई चार विद्युत कुमारी तथा चार ये प्रकार आठ देवियां यहां आकर तीर्थंकर का जात कर्म करती हैं। ऋचिक गिरी के ऊपर चारों दिशाओं में चार जिन मंदिर हैं। ये अंजन गिरियों के समान विस्तार वाले हैं तथा पूर्व की ओर इनका मुख है। दिशाओं एवं विदिशाओं में रहने वाली देवियों के निवास कूटों तथा जिन मंदिरों से जिसका मस्तक सदा अलंकृत रहता है, ऐसा ये रुचक गिरी अतिशय सुशोभित है। स्वयंभू रमण द्वीप के मध्य में स्थित चूड़ी के आकार वाला एक स्वयंप्रभ नाम का पर्वत सुशोभित है। मानुषोत्तर और स्वयंप्रभ पर्वत के बीच में असंख्यात द्वीपों में जो त्रियंश रहते हैं, उनकी जघन्य भोगभूमि त्रियंशों की सदृशता है। स्वयंप्रभ पर्वत के आगे जो त्रियंश है वे कर्म भूमि त्रियंशों के समान है, क्योंकि उनमें असंख्यात त्रियंश संहिता सहित देशवती भी होते हैं। ऊपर कहे हुए द्वीप समुद्रों में मनोहारी पर्वतों पर किन्नर आदि व्यंतर देव यथा योग्य निवास करते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं, श्रेणी इस प्रकार तुमने द्वीप सागर संबंधी प्रज्ञप्ति जानी, अब इसके आगे संक्षेप में ज्योतिर्लोक तथा उद्वलोक संबंधी प्रज्ञप्ति का श्रवण कर। जम्बू द्वीप तथा लवण समुद्र को आदि लेकर उत्तमोत्तम द्वीप तथा सागर संबंधी प्रज्ञप्ति के इस मुनि सम्मत स्पष्ट संग्रह को जो भव्य सुनता है, उसका पृथ्वीलोक संबंधी समस्त संशय नष्ट हो जाता है। सो ठीक ही है, क्योंकि मुनि रूपी सूर्य के उदित होने पर क्या अंधकार का समूह कहीं ठहर सकता है, अर्थात नहीं। इस प्रकार जिसमें अरिष्ट नेमी पुराण का संग्रह किया गया है, ऐसे जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में द्वीप सागरों का वर्णन करने वाला पंचम सर्ग समाप्त हुआ।